नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा को जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में दीपावली और लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी अगर हम पूजा की बात करें तो शुभ मुहूर्त का होना अत्यंत ही आवश्यक है। यानी अगर हम बात करें लक्ष्मी पूजन को लेकर, तो किन मुहूर्त में हम लक्ष्मी पूजन करें ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि हो, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वर्ष 2022 दीपावली जो है 24 अक्टूबर 2022 को कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सोमवार को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि के आने से दीपावली का त्यौहार 24 अक्टूबर को ही मनाया जाने वाला है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन की अगर हम बात करें तो प्रदोष काल युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न में और स्थिर नवांश में लक्ष्मी पूजन अत्यंत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, अगर हम लग्न की बात करें तो चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, तीन लग्न होती हैं। और अगर हम स्थिर लग्न और स्थिर नवांश की बात करें, यानी लक्ष्मी के स्थिर रहने की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्थिर लग्न को और स्थिर नवांश को हमें अपने पूजा के अंदर शामिल अवश्य करना चाहिए। स्थिर लग्न और स्थिर नवांश सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। आइए बात करते हैं लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्रदोष काल को लेकर, तो प्रदोष काल के अंदर लक्ष्मी पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शाम 5:47 से और रात 8:21 तक प्रदोष काल रहने वाला है। इस प्रदोष काल के अंदर लक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ माना गया है। बात करें हम स्थिर लग्न को लेकर, तो वृष लग्न और सिंह लग्न हमारे पास में, यहाँ अगर हम बात करें तो स्थिर लग्न को लेकर हम बात करेंगे। वृष लग्न स्वामी जो है शुक्र माने गए, स्थिर लग्न है, रात 7:03 से लेकर और 9 तक रहने वाली है। तो प्रदोष काल के अंदर यह समय आता है, यानी अगर हम बात करें 5:47 से और 8:21 के बीच में रात 7 से लेकर और 9 तक वृष लग्न रहने वाली है, तो हम वृष लग्न में भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें स्त्री लग्न सिंह लग्न को लेकर, तो जो कि मध्य रात्रि में आ रही है, मध्य रात्रि 1:33 से और 3:49 तक सिंह लग्न में भी हम पूजा कर सकते हैं। यानी स्थिर लग्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो वृष लग्न और सिंह लग्न दोनों ही लग्न बहुत महत्वपूर्ण माने गए। अगर हम बात करें चौगड़िये को लेकर कि कौन सा चौगड़िया हमारे प्रदोष काल में आ रहा है या इन लग्न में आ रहा है, तो चर का चौगड़िया जो कि शाम 5:47 से और 7:23 तक आ रहा है। सामान्य समय अगर जो अगर हम बात करें चर के चौगड़िये को लेकर, तो सामान्य माना गया है शुभ कार्य से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड हम चर के चौगड़िये का उपयोग कर सकते हैं। लाभ की बात करें कि लाभ का चौगड़िया कौन सा आ रहा है, तो रात 10:35 से लेकर और 12:11 तक रात में लाभ का चौगड़िया रहने वाला है। किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी शुभ मुहूर्त में लाभ के चौगड़िये को भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शुभ और अमृत के चौगड़िये की बात करें तो मध्य रात्रि 1:47 से अंतराल 4:15 तक शुभ और अमृत का चौगड़िया रहे। देखिए, अगर हम चौगड़िया वाइज अगर हम बात करें तो ये तीन चौगड़िया हमारे पास में हैं। और अगर हम लग्न को लेकर बात करें, क्योंकि पूजा के अंदर स्थिर लग्न और स्थिर नवांश बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की अगर हम बात करें कि कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा रहने वाला है पूजन के लिए, तो रात 7:15 से और 7:28 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहने वाला है लक्ष्मी पूजन को लेकर, क्योंकि इस मुहूर्त के अंदर प्रदोष काल, स्थिर लग्न और स्थिर नवांश दोनों ही आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रदोष काल की, तो शाम 5:47 से और रात 8:21 तक प्रदोष काल रहेगा, जो कि इस समय के अंदर आ रहा है। यानी हमारे शुभ मुहूर्त 7:15 से और 7:28 तक आ रहा है। स्थिर लग्न की बात करें तो वृष लग्न इसके अंदर आ रहा है। स्थिर नवांश की बात करें कि इस लग्न के अंदर भी नवांश में भी स्थिर नवांश कौन सा हो रहा है, तो कुंभ राशि का स्थिर नवांश शाम को 7:15 से और 7:28 तक के शुभ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में तीनों ही चीजें मेरे पास प्रदोष काल, स्थिर लग्न और स्थिर नवांश ये आ रहे हैं। तो
अच्छे मुहूर्त के लिए यानी लक्ष्मी पूजन के लिए अगर हम बात करें तो 7:15 से और 7:28 को शाम को मुहूर्त जो है अत्यंत ही शुभ और महत्वपूर्ण रहने वाला है। लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी गणेश की पूजा भगवान की अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण रहेगी। ईश्वर आपके घर को धन धान्य और सुख में वृद्धि अवश्य करें। धन्यवाद।